उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए, ताजा तरीन घटनाक्रम के लिए, देश विदेश से जुड़ी उन जानकारियों के लिए जो आपको जाननी चाहिए, और साथ ही हमारी खास स्पेशल स्टोरीज के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। संवाद 365 के साथ बने रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अमर पहाड़ में पहली बार मुंबईया छोकरे धमाल। उत्तराखंडी फीचर फिल्म माटी पहचान का पहला गीत मी जब रे फॉर्चून टॉकीज म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया। होली के मौके पर यह गाना पहाड़ के लोगों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि ये गाना उत्तराखंड फिल्म जगत का पहला बॉलीवुड स्टाइल सॉन्ग है। होली के इस त्यौहार पर इस गाने ने उत्तराखंडी लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। इस गाने को प्रसिद्ध उत्तराखंडी संगीतकार राजन बचेली ने लिखा और संगीतबद्ध किया है, और इसको आवाज दी है गायिका प्रज्ञा पात्रा ने, जो कि पहले ही सिंगिंग रियलिटी शो वॉइस ऑफ इंडिया में अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी हैं। इसी के साथ ही गाने में आपको हिना खान का नया चेहरा भी देखने को मिलेगा, जो कि अपने ठुमको से लोगों का दिल जीत रही है। मी जबरे एक सनसनीखेज बॉलीवुड स्टाइल उत्तराखंडी सॉन्ग है, जो कि फिल्म के साउंड ट्रैक में कुछ बॉलीवुड स्पंक जोड़ता है। इस गाने को देखकर लगता है कि फिल्म में गंभीर मुद्दों के साथ साथ दर्शकों के मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखा गया है। माटी पहचान फिल्म में इसके अलावा भी कई गीत हैं, जिनको राजन बचेली ने लिखा और संगीतबद्ध किया है। फिल्म के सभी गीत फॉर्चून टॉकीज म्यूजिक लेवल से जारी किए जाएंगे, साथ ही ऑडियो ट्रैक्स सभी म्यूजिक स्ट्रीमिंग साइटों पर उपलब्ध होंगे। माटी पहचान एक उत्तराखंडी फीचर फिल्म है, जो कि कई वर्षों से पहाड़ में लगातार हो रहे पलायन के मुद्दे को उजागर करती है। फिल्म अपनी पहचान, अपनी माटी और पहाड़ों से जोड़ने की बात करती है। फिल्म का निर्देशन अजय बेरी ने किया है और इसका प्रोडक्शन फॉर्चून टॉकीज मोशन पिक्चर के बैनर तले किया गया है, जिसके निर्माता फरहान शेर हैं। फिल्म अप्रैल में आने के लिए तैयार है। फिल्म का सिनेमा वितरण UFO सिनेमीडिया नेटवर्क के द्वारा किया जाएगा, जबकि डिजिटल वितरण हंगामा डिजिटल के द्वारा किया जाएगा। इसके टिकट बुक माई शो और पेटीएम पर भी उपलब्ध होंगे। संवाद 365 के लिए पुष्कर ओझा की खास रिपोर्ट।